बेहतर है अंधेरे से एक नए पथ का निर्माण करना है, उजाले से दीक्षा 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 नमस्कार, दीक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके प्यारे प्यारे पत्र रोज मिल रहे हैं, तो लीजिए एक बार फिर इस कार्यक्रम में हम आपके पत्र पढ़ेंगे। तो ये पहला पत्र है ब्रिजेंद्र, सुधींद्र और नृपेंद्र प्रताप सिंह यादव का, इटावा से। आप लिखते हैं कि आपका नाटक दीक्षा हमें बहुत अच्छा लगा है और इससे राष्ट्र में पढ़ने की लालसा जगेगी और हमारा राष्ट्र एक पढ़ा लिखा राष्ट्र बन जाएगा और विश्व में एक अपने देश का ऊंचा नाम होगा। यही आपसे आशा है कि आप नाटक डेली दिखाया करें। इस पत्र के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा दूसरा पत्र है, रविशंकर कुमार ने भेजा है प्रतापगढ़ से। इन्होंने लिखा है कि हम आपका कार्यक्रम प्रतिदिन देखते हैं और पसंद भी करते हैं। आपसे यह विनती है कि कक्षा 10 के लिए अंग्रेजी व विज्ञान की शिक्षा कार्यक्रम में प्रसारित की जाए। हम आपके निवेदन को ध्यान में रखेंगे। और अब अगला पत्र पढ़ने से पहले देखते हैं कार्यक्रम। महाराज की जय हो। महाराज, स्वामी रामदास जी पधारे हैं। स्वामी रामदास मेरे गुरुदेव, वे बाहर क्यों खड़े हैं? उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। जो आज्ञा। अरे सुनो सुनो, रुको, मैं उन्हें लेने स्वयं ही जाता हूं। जय जय रघुवीर समर्थ। गुरु को मेरा सादर प्रणाम। जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुदेव आसन ग्रहण करें। जय जय रघुवीर समर्थ। शिवा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपने कार्य में सफल हो। तुम्हारी कीर्ति चारों दिशाओं में गूंज उठे। ये सब आप ही की कृपा है गुरुदेव। आपके आगमन से मैं धन्य धन्य हो गया। लेकिन गुरुदेव, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे आदेश दिया होता, मैं सेवा में स्वयं उपस्थित हो जाता। शिवा, रामदास का व्यक्तित्व स्वच्छंद है। उसका मन कब क्या विचार करे कोई नहीं जानता। गुरुवर, मैं जानता हूं कि आपके मन में लोक कल्याण के अलावा और कोई विचार आ ही नहीं सकता। शिवा, मैं भी एक मानव ही हूं। लोक कल्याण के अतिरिक्त मेरे मन में आत्म कल्याण की भावना भी जन्म ले सकती है। गुरुदेव, फिर सेवा की आज्ञा दीजिए। शिवा, तुम्हें आश्चर्य हो रहा है ना, लेकिन यह सत्य है कि आज मैं अपने ही कल्याण के लिए यहां आया हूं। मेरी इच्छा हो रही है कि आज मैं तुमसे भिक्षा स्वीकार करूं। गुरुदेव, मेरे पास जो कुछ भी है वो आप ही का है और आप ही की वस्तु आप ही को समर्पित करने में भला मुझे कैसा संकोच। आप कृपया अतिथि गृह में थकान दूर करें। महामंत्री, अतिथि गृह की ओर चलें। जय जय रघुवीर समर्थ। आइए महाराज। महाराज, गुरुदेव के लिए अन्न वस्त्र हीरे जवाहरात और ये मणि माणिक प्रस्तुत। नहीं सामामल, ये उतनी आसान बात नहीं। मैं तो ये निर्णय ही नहीं ले पा रहा हूं
कि गुरु के लिए क्या वस्तु भेंट करूं जो उनके पद के गरिमा के अनुकूल हो। आपके लिए क्या संभव है महाराज, बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। इन सब वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, इन्हें ले जाओ। मेरे लिए पत्रक और लेखनी लाया जाए। महामंत्री, आप आसन ग्रहण करें। जी महाराज। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य दिन है, क्योंकि गुरु ने मेरे ऊपर कृपा की। गुरुदेव, क्या बात है राजन, तुम मेरे लिए भिक्षा नहीं लाए? गुरुदेव, मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका ही है, फिर भी ये छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। ये क्या राजन, ये मेरे किस काम का? इससे तो मेरी क्षुधा भी नहीं शांत हो सकती। गुरुदेव, मेरे पास जो कुछ भी है वो यही है। ये क्या राजन, तुमने अपना संपूर्ण राज मुझे लिख दिया, लेकिन ये मेरे किस काम का? गुरुदेव, मैं तो ये निर्णय ही नहीं ले पा रहा हूं कि ये छोटी सी भेंट भी आपकी गरिमा के अनुकूल है भी कि नहीं। शिवा, क्या तुमने यह सोचा है कि अपना संपूर्ण राज मेरे नाम लिखकर तुम एक साधारण व्यक्ति का जीवन व्यतीत करोगे? गुरुवर, जहां तक मैं समझता हूं, मेरा अस्तित्व एक राज्य के सेवक की भांति है। राज्य को आपके चरणों में समर्पित करने के पश्चात भी मैं राज्य का सेवक ही रहूंगा। शिवा, तो यह तुम्हारा अंतिम निर्णय है? तुमने अपना संपूर्ण राज मुझे सौंप दिया है, तो अब तुम क्या करोगे? श्री चरणों की सेवा, सेवक को आज्ञा दीजिए। ठीक है शिवा, अगर तुम्हारा यही निर्णय है तो ये मेरा थैला थामो। जय जय रघुवीर समर्थ। चलो मेरे साथ भ्रमण पर चलो। शिवा, मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि तुमने सेवा का सही अर्थ समझा है। तुम सही अर्थों में एक कुशल शासक हो। लेकिन गुरुदेव, मुझे शासन से क्या लेना देना, इसे तो आपको सौंपकर मैं निश्चिंत हो गया हूं। बेटा, हम वैराग्यों का इस राजपाट से क्या लेना देना? अपना ये राज अब तुम ही संभालो। लेकिन गुरुदेव, एक बार दान देने के पश्चात उसे वापिस तो नहीं लिया जा सकता। शिवा, क्या तुम अपने गुरु से उपहास कर रहे हो? मुझ जैसे सन्यासी से क्या तुम ये आशा करते हो कि वो तुम्हारे राज की रक्षा कर सकेगा? अपना राज मुझे सौंप कर क्या तुम अपनी प्रजा के साथ अन्याय नहीं कर रहे हो? नहीं गुरुदेव,
मैं जानता हूं कि मैंने राज्य को एक कुशल हाथों में सौंपा है। शिवा, तुम्हारे राज्य के चारों ओर दुश्मन ही दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। औरंगजेब की ललचाई दृष्टि तुम्हारे राज्य पर गढ़ी हुई है। क्या तुम ऐसा सोचते हो कि अगर वे लोग आक्रमण कर देंगे तो मेरे जैसा सन्यासी शस्त्र उठाकर उनसे लड़ने जाएगा? आपको शस्त्र उठाने की क्या आवश्यकता? मैं राजा नहीं तो इस देश का एक सिपाही तो हूं। हमारे रहते इस राज्य पर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। बेटे, तुम्हारे इसी आनबान के कारण ही सारा देश तुम पर गर्व करता है। अगर तुम अपना राज वापस नहीं लेना चाहते तो जाओ, मेरे प्रतिनिधि के रूप में इस राज्य पर राज करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे कोई ऐसी वस्तु दें जो मेरे प्रेरणा का स्रोत। अवश्य अवश्य। मेरा ये भगवा वस्त्र ले जाओ, मेरे आशीर्वाद के रूप में ये सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। और गुरुदेव, मैं आशीष के तौर पे ये आपकी पादुकाएं भी प्राप्त करना चाहता हूं। जय जय रघुवीर समर्थ। ये अगला पत्र हमारे पास कुशल पाल व समर पाल सिंह का गांव बिसावर से आया है। ये लिखते हैं कि आपका दीक्षा कार्यक्रम जब से प्रसारित हुआ है तब से बहुत आनंद का अनुभव हम इस कारण करते हैं कि पढ़ाई का एक अनूठा ढंग इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। अब इस कार्यक्रम को देखने के लिए मेरे घर काफी बच्चे टीवी के सामने आ जाते हैं। भाई, ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है। अब अगला पत्र है रामदेव चतुर्वेदी का, जिला उन्नाव से। इन्होंने हमें एक चुटकुला भेजा है। चुटकुला कुछ इस प्रकार है। एक बार दो वैज्ञानिक खोज करते हुए एक तालाब के किनारे पहुंचे। वहीं पर रासायनिक वैज्ञानिक थे। दोनों वैज्ञानिकों ने कहा, हम यहाँ खोज करने आए हैं। तब रासायनिक वैज्ञानिक ने कहा, इस तालाब में खोज करो। तो वे दोनों तालाब में कूद गए। बड़ी देर हुई वे दोनों नहीं निकले। तो रासायनिक वैज्ञानिक ने कहा, मालूम पड़ता है कि ये दोनों पानी में घुलनशील हैं। भाई, आपको चुटकुला तो बहुत अच्छा रहा, क्यों दोस्तों, आई हसीना? अब अगला पत्र पढ़ने से पहले हम देखते हैं ये कार्य